पोटेंशियली पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट येट. अगर यूएसए इंडिया से भी हारता और आयरलैंड से भी हारता है वो ही काम शुरू हो गए दोबारा दुआ वाले, या अल्लाह आयरलैंड को हार दे, हरा दे, रविश को हरा दे, ताम पहुंच जाए. तो पिछले 10 साल से हम दुआएं ही कर रहे हैं. कनाडा ने वो स्कोर दिया था जो कि शायद 14 ओवर तक पाकिस्तान कर जाता, मगर क्योंकि भारत के खिलाफ कॉन्फिडेंस इस बैटिंग लाइनअप का कमजोर हुआ हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ही मोहतात तरीके से ये रन चेस किया पाकिस्तान ने. कांग्रेचुलेशन भाई, बात में बोलना नहीं कि यार तुम जब हम जीते हैं तो तुम हमें जो है कुछ कांग्रेचुलेशन नहीं बोलते. हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही होता रहा, तो डोंट लूज होप एंड दुआ करें कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाए यूएसए के खिलाफ. तो हम तो इंडिया को बैक करेंगे यूएसए के खिलाफ. पाकिस्तान को चाहिए था वो आज का जो स्कोर है वो करें 10 ओवर में पूरा. बच्चों वाली टीम थी वो, टेस्ट मैच खेल रहे थे. रिजवान ने 50 बॉलें खेली हैं, बाबर आजम ने 33 बॉलें खेल के 33 स्कोर किया है. वो कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, टेस्ट मैच वो तो टेस्ट मैच खेल रहा था. टीम में अगर टैलेंट है तो विल नहीं है, विल है तो स्किल नहीं है, स्किल है तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है तो फिर गेम अवेयरनेस नहीं है. सो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे. तालियां आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो. बिलाखिर पाकिस्तान ने दुनिया की चैंपियन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम, स्टार से भरी हुई टीम, ऐसी टीम जो खिलाड़ियों की जगह बंदे खाती है, बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की टीम, जब वो उतरती है ग्राउंड में आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं, जलजले ग्राउंड में आते हैं, उस टीम को पाकिस्तानियों ने पेल दिया है. और पाकिस्तानी शाहीनों ने जान हथेली पर रखकर मौत का खेल खेलकर कनाडा को वर्ल्ड कप 2024 में बहुत बुरी तरह से लथेड़ा है. और इसे जीतना कहते हैं भाई, ऐसी जीत को हम क्या चाट डाले, चाटे मजबूर ना करे कि आपका स्वागत इस तरीके से हो कि पाकिस्तान आप आना ही भूल जाएं. तो यूएसए का मैच था उस रात को पूरी टीम शीशा पी रही है. सर मैच जीतने से बेहतर तुम लोग हार ही जाते यार. 25वें नंबर की टीम के साथ आप लोग जो है वो जीत के जश्न मना रहे, हम लोग जीत गए वर्ल्ड कप, अब आप अपने नाम कर ले सर. अब वर्ल्ड कप की तो जरूरत नहीं आगे खेलने की, ना ही हमें देखने की जरूरत है. आप लोगों ने तो चंद चढ़ा दिए जो चढ़ाने थे. और ये जीत में शर्मना के, यानी ये इनकी जीत भी जो है वो गिरी हुई जीत है. ये ऐसे जीता कि जैसे कौम के मुंह के ऊपर आपने उठाकर मारी हो. ये लें जी, हम जीत गए. जय हिंद दोस्तों. तो दोस्तों आपने कल देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम ने कितनी शर्मनाक तरीके से कनाडा को हराया. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा की टीम ने 107 रन बनाए थे और इन पाकिस्तानियों को चेस करने में 18 ओवर लग गए, जिसमें कप्तान बाबर आजम 33 गेंदों में 33 रन बनाया और मोहम्मद रिजवान 53 गेंदों में 53 रन बनाया. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे स्लोएस्ट 50 का. इसको लेकर शोएब अख्तर बातें कर रहा है कि अभी भी हमारा होप बना हुआ है कि हम सुपर 8 में पहुंचेंगे. अगर भारतीय टीम आज यूएसए को हराती है तब हमारा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. कनाडा ने वो स्कोर दिया था जो कि शायद 14 ओवर तक पाकिस्तान कर जाता, मगर क्योंकि भारत के खिलाफ कॉन्फिडेंस इस बैटिंग लाइनअप का कमजोर हुआ हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ही मोहतात तरीके से ये रन चेस किया पाकिस्तान ने. अब सादा खुशबू से काम नहीं चलेगा, आपको मीठे पान की तरह जो है ना वो अगला मैच खेलना है, नेट रन रेट को भी जहन में रखना है. क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट में उतरे और एक जीत से ही आप या दो जीत से ही जो है आप खुश हो जाएंगे और सुपर एट्स पे नहीं जाएंगे, तो फिर वही बात है कि दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे सब लोग कहेंगे कि आप जाइए. क्योंकि इस टीम में अगर टैलेंट है तो विल नहीं है, विल है तो स्किल नहीं है, स्किल है तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है तो फिर गेम अवेयरनेस नहीं है. सो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? पाकिस्तान ने 17 ओवर्स में 107 का टारगेट चेस किया है. देखिए आज का तो मैच मैंने देखा ही नहीं है और मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलात के बाद ये टारगेट चेस किया है. ये देखे ना, इनको अगर रन रेट की बात की जा रही थी तो अब ये रन रेट कहाँ मर गया इनका. अब इनको ये 17 ओवर के बाद भी 107 स्कोर करना याद रहा है. अच्छा आज इनका रिजवान भी चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि बाबर भी चल रहा है. यकीन करें खुदा की कसम मैंने टीवी पे मैच नहीं देखा, बड़ा लानती हो. और ये तो है ही लानती इन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ किया, यूएसए पाकिस्तान के साथ किया. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 24 करोड़ जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख के बाद पाकिस्तान आने का. क्योंकि पाकिस्तान में याद है आपको अंडे जो है वो भी महंगे हुए थे, टमाटर भी महंगे हुए थे, अब दोबारा होने जा रहे हैं. लेकिन इनकी प्लानिंग हमसे ज्यादा है कि ये दो दो तीन तीन करके आते हैं, दो उधर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, दो दुबई में रह जाएंगे, दो यूएसए में होंगे और तीन लाहौर में आएंगे. लेकिन मेरा ख्याल है कि आज की जो परफॉर्मेंस थी, जो कनाडा के साथ परफॉर्मेंस थी, मुझे उम्मीद थी ये जीतेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं थी कि ये 17 ओवर में जाकर चेस करेंगे. नहीं, क्या वजह है आज की जीत से खुशी क्यों नहीं आपको? जीत तो गए हैं ना. देखिए इनको 11 प्लेयर को खुशी होगी, 24 करोड़ पाकिस्तानी को कोई खुशी नहीं है. दिल मर गया यार, मैच देखने को दिल नहीं करता, कुछ भी दिल नहीं करता. लोगों ने टीवी तोड़ दिए हैं, लोग जो है इनका चेहरा देखना नहीं चाहते. ये मैडी शैडी गंद ब्लाक घटिया टीम, सारा कुछ गंद ब्लाक कूड़ा क्रिकेट. ये T20 वर्ल्ड कप में याद आता है इनको, 2 साल की जो परफॉर्मेंस है 2 साल बाद इनको तैयारी करनी चाहिए थी. 7 महीने
महीने पहले जो 50-50 वर्ल्ड कप गुजरा है, मेरा ख्याल था कि ये सुधर गए होंगे, इनको समझ आ गई होगी। ऐसा मजबूर ना करे कि आपका स्वागत इस तरीके से हो कि पाकिस्तान आप आना ही भूल जाएं। तो यूएसए का मैच था, उस रात को पूरी टीम शीशा पी रही है। देखे ना, अगर ये यहाँ पे इंडिया की टीम होती तो यही 107 जो रन है ये चेज करते वो 8-9 ओवर में कर लेते। सर जी, डॉलर जिंदाबाद। पाकिस्तान शुक्र है जीत गया, पाकिस्तान नहीं था भाई, तो मरने लगा यार। मेरे कैसे सट्टा लगाया इंडिया के मैच में, हारना ही हारना पैंच। और यूएसए ने कनाडा से पैसे लाते थे, यकीन से कनाडा जीत जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा। लानत पड़ी हुई है पैंच, नेरी में शाफरों की तरह गायब हो जाते हैं, मैच खेलने आते हैं पैंच। एक अदा किंग है, किंग किंग केड़ा किंग पैंच, पापरेसन किंग है पाकिस्तानी टीम का यार, किंग है। लेकिन किंग का थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, अब अगर उसको 10 विकेट दोगे फिर जाके कुछ करेगा वो। सर देखे ना, हमारी पूरी टीम दुनिया की नंबर वन बॉलिंग हमारे पास, बैट्समैन हमारे पास, पुरानी बात है, पुरानी बात है। बॉलरों से कुछ नहीं, बॉलर अपना 100% दे रहे हैं, बैट्समैन हमारे फर्क हुए हैं, हमारे पास बैटिंग नहीं है यार, बड़ा डिसअपॉइंट किया यार। सर कल एक बड़ा मैच है इंडिया का यूएसए के साथ, यूएसए हमें हरा के गया है, क्या इंडिया को यूएसए हरा पाएगा? चनकना रहता है इंडिया जीत जाना भाईजान, इंडिया एड नहीं लेता, पाकिस्तान लेता है। पोटेंशियली पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट येट। अगर यूएसए इंडिया से भी हारता और आयरलैंड से भी हारता है, वही काम शुरू हो गया दोबारा दुआ वाले, या अल्लाह आयरलैंड को हरा दे, हरा दे रविश को, हरा दे ता हम पहुंच जाएं। तो पिछले 10 साल से हम दुआएं ही कर रहे हैं, अल्लाह करे यू नो पाकिस्तान रीच टू द सुपर एट, और वहाँ पे फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक वन मोर टीम के साथ हमारा वेस्ट इंडीज, उसे पाला पड़ेगा। तो अगेन डोंट लूज होप, वी आर स्टिल देयर इन द टूर्नामेंट, और आई थिंक पाकिस्तान डाउन एंड अबाउट होकर वापस कम बैक करता है, हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही होता रहा। तो डोंट लूज होप एंड दुआ करें कि इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाए यूएसए के खिलाफ। तालियां आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाखिर पाकिस्तान ने दुनिया की चैंपियन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम, स्टार से भरी हुई टीम, ऐसी टीम जो खिलाड़ियों की जगह बंदे खाती है, बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की टीम, जब वो उतरती है ग्राउंड में आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं, जलजले ग्राउंड में आते हैं, उस टीम को पाकिस्तानियों ने पेल दिया है, और पाकिस्तानी शाहीनों ने जान हथेली पर रखकर मौत का खेल खेलकर कैनेडा को वर्ल्ड कप 2024 में बहुत बुरी तरह से लथेड़ा है और हरा दिया है। नाज़रीन पाकिस्तान जीत गया है कनाडा के खिलाफ, और ये जीत भी शर्मनाक है, यानी ये इनकी जीत भी जो है वो गिरी हुई जीत है, ये ऐसे जीत है कि जैसे कौम के मुंह के ऊपर आपने उछाकर मारी हो, ये लें जी हम जीत गए। बाबर आजम के एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट ने बड़ा परेशान किया है, उस स्टेटमेंट ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये टीम असल में अमेरिका के अंदर जीतने के लिए गई नहीं थी, ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं गई थी। बाबर आजम की आज की स्टेटमेंट ये वाजे कर रही है। खबरें आ रही है कि 7 खिलाड़ियों के ऊपर कलाड़ी चलने वाली है, 7 खिलाड़ी जो कि फारिग होने वाले हैं, और मोहसिन नकवी के यहां तक आ चुका है कि जनाब बाप का सर्वाइवर है, और अगर आप यहां पर सर्वाइव नहीं करते तो फिर ये जो बदनामी का दाग है ये आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, सियासत नहीं है कि आप एक पार्टी के पीछे छुपकर बच जाएंगे या आपको कोई बचा लेगा, ये क्रिकेट है, और ये क्रिकेट तमाम तर एक वाइड फोर्स है जो तमाम तर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा करती है इसमें। लेकिन इनकी यारियां दोस्ती है, इनके जो टूर प्लान, अब अगर आप देखें ना, जिस तरह हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो कुछ दोस्तों के भाई भी साथ चले जाते हैं, तो ये तो अपना पूरा खानदान यूएसए आखिरी दफा दिखाने गए हैं ना। मेरा ख्याल है शादाब के खानदान ने वो यूएसए देखा होगा ना, बाबर के, बाबर की फैमिली तो ऐसे फिर रही थी जैसे कि यूएसए के वो क्वीन हो, किंग हो। मेरा ख्याल है कि इनको परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, बाबर अपनी फैमिली पर दे रहा है, सब अपनी बीवियों पर तवज्जो दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी कौम का ख्याल कौन करेगा? अच्छा, आपको पता है पीसीबी ने अनाउंसमेंट की है कि वो टीम में T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़ी तब्दीलियां करने जा रहा है, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें टीम से निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो एक बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। देखिए मोहसिन नकवी साहब तो अपनी सीट बचा रहे हैं, या वजारत दाखिला रख लो या पीसीबी की चेयरमैनशिप। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में, मतलब कनाडा से इस जीत को लेकर भी इतना ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर यूएसए की टीम अगर एक भी मैच जीत जाएगी तो पूरी तरीके से पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। अभी से दुआएं कर रहे हैं कि सुपर 8 में पहुंचने के लिए, कि मतलब किसी तरह से भारत जीत जाए और मतलब यूएसए हार जाए, ताकि हमारा अच्छा रन रेट हो और हम पूरा मैच जीत जाएं, जिस वजह से हम सुपर 8 में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर भारत आज उलटफेर कर देता है, अगर यूएसए से किसी तरह से हार जाता है, तो पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। मतलब किस तरह से इन पाकिस्तानियों की कंडीशन हो गई है कि अभी से इन पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर बातें कर रहा है कि हम अभी भी होप बनाए हुए हैं सुपर 8 में पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर भारतीय टीम यूएसए को हरा देती है तो हम भी मतलब पूरा मैच जीत जाते हैं, तो हम लोगों का रन रेट अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से हम मतलब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब अभी से दुआएं शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में चला जाए। लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की कंडीशन है,
मतलब उसको देखकर डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तान की टीम कि सुपर एट में पहुंचने के लिए, और यूएसए की टीम पूरी तरीके से 100% मतलब उसकी कॉन्फिडेंस जितना है और उसका जिस तरह की कंडीशन है खेलने की, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यूएसए की टीम को सुपर एट में जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर हैरान है कि कहीं हम टीम से बाहर ना हो जाएं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई है इस T20 वर्ल्ड कप में। 3 मैच हुआ है, 2 मैच इतनी बुरी तरीके से कि आप सोच नहीं सकते थे, और भारत से तो ये जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने कल प्रदर्शन दिखाई, पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में इसकी कोई खुशी नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ना वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।